ओके तो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज रोस्टर बाबू। हमारे आपके नए चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी के कुछ प्रो प्लेयर्स की, जो कि यार 36-36 किल करके अपलोड करते हैं। तो इन दोनों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, आज आपको मैं इनकी पूरी रियलिटी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो, इसे वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको दिखा दूँ, सबसे पहला प्लेयर का मैंने यहाँ पे टैग कॉपी कर रखा, उसका टैग है 5531777605। ठीक है, तो सर्च मारेंगे तो आपको दूसरे नंबर में मिल जाएगा 7570 करके कुछ इसकी लेवल है। तो इसको कंफर्म करने के लिए रियल है तो आप देख सकते हो, इसकी पॉपुलैरिटी किसी आम प्लेयर की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती, आपको ही पता है। तो ठीक है, तो पहली बात, इसने इंडिया का फ्लैग लगा रखा है बट ये खेलता है यूरोप में। आप देख सकते हो यहाँ पे एशिया में इसका कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, ये यूरोप में गेम प्ले खेलता है यूरोप के। तो भाई इनको लगता है कि हम पागल बन जाएंगे कि भाई इंडिया में खेलता, मतलब एशिया का खेलता, पर ऐसा नहीं है भाई, यूरोप में खेलता। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है भाई प्लेटिनम, कौन से भी इसकी टायर देख लो आप, करंट सीजन में प्लेटिनम 5th है भाई साहब। FPP में दिखा दूंगा, यहाँ बोलो FPP नहीं भाई, देख सकते हो Gold 3। ठीक है, तो TP प्लेटिनम 5th पे है, और मैं आपको इसके लास्ट सीजन के भी दिखा देता हूँ, Gold 3 मैक्सिमम। ठीक है, तो इसने भाई कभी भी, तो अगर आपने इसका देखा हो गेम प्ले स्टाइल लिख रखा हो तो भाई समझ लो फेक है, ये इस पर आज तक ही नहीं गया होगा। तो ठीक है, इसके आप स्टैट्स देख सकते हो आराम से, ये इसके स्टैट्स है। रूपो नाम है इसका, आपको भी पता है, 755 मैच खेल लिया है इसने लास्ट सीज़न। तो मैं आपको इसके करंट सीज़न का दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके करंट सीज़न में भाई आपके देख सकते हो मोस्ट किल्स कितने हैं इधर, 27। और इसने एक वीडियो दिख रही होगा स्क्रीन पे, उस वीडियो को इसने अपलोड करा था, लिखा था सीज़न वेस्ट गेम प्ले ऑफ सीज़न 14 36 किल्स। तो उसमें इसने गेम प्ले था 36 किल्स आया, तो आप देख सकते हो वो था उसका सीज़न 13 का गेम प्ले, 36 किल्स मोस्ट किल्स इसमें थे। तो देख सकते हो ये आपको कैसे पागल बना रहा है, तो इसको बिल्कुल मत देखना यार, मैं बता रहा हूँ। तो ये सब जानने के बाद अगर आप इसको देखने का मन करें तो देखो भाई हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो भाई जो नेक्स्ट प्लेयर था भाई, मैं उसको हैकर भी एक तरीके से कह सकता हूँ। तो आप देख सकते हो उसका टैग मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, 5345089116 का टैग है, कैरेक्टर आईडी मतलब। तो आप इसको देख सकते हो 74 है, और ये देख सकते हो इसका नाम और 22 RP है, पॉपुलैरिटी देख के कंफर्म कर लेना ये रियल है। ठीक है, तो ये इसका सर्वर है, तो ये भी भाई इंडिया का फ्लैग लगाता है, यूरोप में खेलता है, एशिया में ये भी घंटा कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, ये यूरोप में खेलता है, ये होगी पहली बात। और अब आप देख सकते हो इसके स्टैट्स, इसके टायर दिखा देता हूँ, डायमंड 5 लास्ट सीजन के दिखा देता हूँ, क्राउन 5 मैक्सिमम। ठीक है, उससे लास्ट के Gold 4th। तो ये इसके स्टैट्स से कुछ इस सीज़न और दो सीज़न पहले के एशिया में, तो भाई कुछ पिछले सीज़न में कुछ नहीं था, देख सकते हो आप, बस मिशंस RP मिशंस के लिए इसमें खेले होंगे, जो कि सभी खेलते हैं। ठीक है, तो एशिया में क्या, यूरोप में दिखाता हूँ। तो ये इसके KD है 5.26 का, और ये भी अगर आपको कहीं दिखे एक्स्ट्रा गेम प्ले डाल दो तो समझ लो भाई फेक है, एक्स्ट्रा भी ये खुद ही नहीं है, तो ये कहाँ डालेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको दिखाता हूँ, इसका जो मैं कह रहा था इसको मैं हैकर कह सकता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो इसका यहाँ पे ये लगा रखा है सीज़न 7 कॉन्कर आप देख सकते हो ना। तो मैं आपको टायर ओवरव्यू में जाके सीज़न 7 का इसको दिखा देता हूँ, सॉरी सीज़न 7। तो देख सकते हो सीज़न 7 में भाई ये बंदा डायमंड 3 पे गया था स्क्वाड में, Gold 4th पे, डुओ में एंड सोलो में, Silver 4th पे। तो ये कॉन्कर कैसे जा सकता है भाई, आपको भी पता है ये कॉन्कर का उन्हीं को मिलता है जो कॉन्कर पे जाते हैं हर सीज़न। तो भाई मान लो ये उस सीज़न कॉन्कर गया, इसका रैंक गिरेगी उसके बाद भाई, तो कितनी रैंक गिरेगी भाई, आप ज़्यादा ज़्यादा खुद अंदाजा लगा सकते हो, एस भी गिर जाएगा भाई हद से ज़्यादा, अगर बिल्कुल नो भी हो जाए ना तो भी क्राउन से नीचे नहीं जा सकता कोई बंदा, क्राउन 3 क्राउन 2 से नीचे। तो ये भाई बंदा भाई साहब डायमंड 3 पे, या तो इसने जानबूझ रैंक गिराई कॉन्टेंट बनाने के लिए, फिर आपको भाई बस एक बार ये दिखाना था एक सीज़न के लिए। तो यही थे इसके जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इनके आपको ट्रूथ्स पता लग गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एम करते हैं इस वीडियो पे 50 लाइक्स का, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही हमको सपोर्ट, और आप कोई भी सजेशन देना तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बाय बाय, सायोनारा।